आज से ही हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती मेंस की साथ ही एडीओ यानी कि आने वाली वैकेंसी और हॉस्टल वार्डन की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात 8:30 से 9:30 बजे यानी कि एक घंटे का महा एपिसोड होने वाला है। भारत का इतिहास संपूर्ण जानकारी यानी संपूर्ण यानी कि संक्षिप्त जानकारी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश, सालू तुलू और अरविडु वंश से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे जो आपके भारत के इतिहास से बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो क्लासेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महा एपिसोड रहने वाला है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती मेंस की और साथ ही एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो पर बने रहिएगा, आज के कहीं जाइएगा मत। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख चार राजवंश और उसके संस्थापक और शासनकाल जो आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम की तैयारी करें चाहे आप पीएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास करा जा रहा है निःशुल्क के साथ टेस्ट के रूप में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करते जाइए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम राजवंश के बारे में देखेंगे, उसके बाद संस्थापक, उसके बाद शासनकाल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। संगम वंश, देखिए राजवंश के बारे में बात करें, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विडु वंश, ये आपके व्यापम के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए संगम वंश के जो संस्थापक है आपका हरिहर और बुक्का, ये जो दोनों कौन है आप सभी को मालूम होगा, हरिहर और बुक्का नामक है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, शासनकाल के बारे में बात करें तो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। ठीक है, उसी प्रकार सालू वंश के बारे में बात करते जो नरसिंह सालू, यानी कि ये आपका 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। उसी प्रकार तुलु वंश के बारे में बात करें तो इसका संस्थापक है वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। ये आपका 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। उसी प्रकार अरविडु वंश के जो संस्थापक है आपका तिरुमल। कौन है? तिरुमल। इसके जो संस्थापक है 1570 से लेकर 1650 तक। ठीक है, आप देख सकते हैं 1650 तक, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसआई भर्ती यानी मेंस की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और हॉस्टल वार्डन आने वाला है, एडीओ की वैकेंसी भी आने वाला है। एडीओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ये आपको जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप तीनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसआई भर्ती, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। आज का जो है महा एपिसोड रहने वाला है, बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संगम वंश के बारे में। ठीक है, जो संगम वंश है देख लीजिएगा 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऐसे एग्जाम में आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। ठीक है, आज से नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्री क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें तो इस वंश की जो संस्थापक है हरिहर और बुक्का, ये कौन है? दोनों भाई हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है हरिहर और बुक्का नामक कौन है, तो दोनों भाई हैं और ये संगम नामक व्यक्ति के पुत्र हैं। संगम वंश की स्थापना किसने की है तो आप बताएंगे, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की है। कौन से सन में? 1336 से 1485 ईस्वी तक। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हरिहर के बारे में। तो देखिए जो हरिहर है आपका 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक, हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक है। कौन है? इस वंश का प्रथम शासक। जबकि अनैनगोड्डी इसकी राजधानी थी। क्या थी? अनैनगोड्डी इसकी राजधानी थी। ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में तोड़ तोड़ कर एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1346 से होयसेल और 1352 से 53 ईस्वी में मदुरै में जीत लिया था। ठीक है, ये आपका हरिहर था। सर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, हरिहर प्रथम इस वंश के प्रथम शासक था। ठीक है, संगम वंश के प्रथम शासक कौन था तो आप बताएंगे हरिहर प्रथम। ठीक है, उसी प्रकार बुक्का के बारे में देखेंगे तो बुक्का है आपका 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक। देखिए हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। कौन बना है? हरिहर के बाद यानी कि द्वितीय।
द्वितीय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हरिहर के बाद कौन बना, उसका भाई बुक्का। और 1374 ईस्वी में इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा था, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट ना कीजिएगा, डील की यहाँ पर जो बच्चे जुड़ चुके हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। इतना आज जो है भारत का इतिहास संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल डीपली मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, हरिहर के बाद उसका भाई कौन है, बुक्का प्रथम राजा बना। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो में आपको समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, वीडियो डिलीट नहीं करूँगा मैं। तो देखिए, 1377 ईस्वी में मदुरई की जो सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने के पर विजयनगर साम्राज्य का प्रसार अब सारे दक्षिण भारत में यानी कि रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल व चेर प्रवेश भी थे, अब इसको छोड़ दीजिएगा। और ये वाला देखिएगा, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग का प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि, वेद मार्ग की, किसने, प्रथम बुक्का ने, ठीक है। अब चलिए हरिहर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। जो हरिहर द्वितीय है आपका 1377 से 1406 ईस्वी तक, तो देखिए हरिहर द्वितीय ने यहाँ पर राजव्यास की उपाधि धारण की थी, कौन सी, राजव्यास की, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके पूछा गया था पीएससी के एग्जाम में। तो देखिए, जो हरिहर द्वितीय है आपको कौन सी उपाधि धारण किया था, तो राजव्यास, ठीक है। और इसी के शासनकाल में साम्राज्य मुसलमानों के बीच संघर्ष हुए, किसके शासनकाल में, हरिहर द्वितीय के शासनकाल में। एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा किसके शासनकाल में, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं कमेंट कीजिएगा, हरिहर द्वितीय लिखिएगा कमेंट में, हाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, बिल्कुल डेली क्लास कराया जा रहा है बच्चों। तो देखिए, इसने बमनी राज्य में बेलगांव और गोवा को जीत लिया था, ठीक है, इसका मुख्यमंत्री सायण था, ठीक है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला देवराय प्रथम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देवराय प्रथम ये 1406 से 1422 ईस्वी तक, देखिए जो राज्यारोहण के तुरंत बाद, जैसे राज्य हुआ था उसका, उसके तुरंत बाद इन्हें फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, किसके साथ, फिरोज शाह बहमनी के साथ, और इन्हें फिरोज शाह बहमन को पराजित किया, किसने, देवराय प्रथम ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके, इन्होंने फिरोज शाह बहमन को किसने पराजित किया है, तो आप बताएंगे देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमन को पराजित किया था। अब इसे बहमनी सुल्तान के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ा, ठीक है। अब इसको यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, जो 1410 ईस्वी में तुंगभद्र पर बांध बनवाकर अपने राजधानी के लिए जल निकलवाया था, किसने, हरिहर द्वितीय, एक मिनट ना, ये आपका देवराय है, देवराय, ठीक है, देवराय ने 1410 ईस्वी में तुंगभद्र पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी के लिए जल निकलवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसके दरबार में हर विलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, कौन थे, तेलुगु कवि श्रीनाथ हर विलास, किसके, देवराय के, याद रखिएगा देवराय के। आप देखेंगे देवराय द्वितीय या किसका पुत्र था, देवराय द्वितीय बुक्का का पुत्र था, किसका, बुक्का, ये आपको मालूम है ना, संगम वंश का संस्थापक कौन है, तो संगम वंश के जो संस्थापक है हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, तो जो बुक्का का पुत्र है ये आपका देवराय द्वितीय है, देवराय, ठीक है, ये आपका देवराय द्वितीय का पुत्र है, ठीक है, बुक्का का पुत्र था, कौन, देवराय द्वितीय, ये 1422 से 1446 ईस्वी है, ठीक है। ये अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुआ था, ठीक है, विजयनगर। और यहाँ पर छोड़ दीजिएगा इसको, ये जो मैं इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, फारस के दूत, जो फारस का दूत है अब्दुल रज्जाक ने विजय साम्राज्य को 1443 ईस्वी में भ्रमण किया था, ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया, पीएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजय साम्राज्य का 1443 ईस्वी में भ्रमण किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मल्लिकार्जुन को छोड़ दीजिएगा, ये एग्जाम में नहीं आता, ये भी विरूपाक्ष वाला भी छोड़ दीजिएगा। सालुवंश, ये बिल्कुल एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, सालुवंश, देखिए जो सालुवंश है आपका 1485 से 1505 ईस्वी तक, एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने लोग आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं,
एडीओ की जो तैयारी करना चाहते हैं, शाम को 5 बजे आपका पीएससी एग्ज़ाम वाले जो हैं उसमें एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, मेंस की अगर जो तो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है 8:30 बजे, ठीक है। रात को 8:30 बजे पंचायती राज व्यवस्था से क्लास कराई जा रही है। जो एडीओ का है आपका सिलेबस, ठीक है, उसका मैं कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, किस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें संपूर्ण जानकारी बताई जाती है। अब देखिए जो सालू वंश है, तो विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में सालू वंश की स्थापना की। किसने, एग्जाम में पूछा है, व्यापम का एग्जाम प्रश्न पूछा गया, सालू वंश की स्थापना किसने की थी, तो सालू वंश की स्थापना 1485 से लेकर 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब इसे प्रथम बलापहर कहा गया, किसे कहा, बलापहर, क्या कहा गया, प्रथम बलापहर, है ना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और नरसिंह सालू के द्वारा नियुक्त नरसानायक के चोल पांडे और चीरों पर आक्रमण के लिए विजय का समृज किया था, ठीक है। और ये देखिएगा, ये आपका 1505 ईस्वी में नरसा के नायक पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। किसकी हत्या कर, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। तो जो तुलु वंश है आपके एग्जाम में आया है, तुलु वंश की स्थापना किसने की, वीर नरसिंह ने, यह आप देख सकते हैं किसने की, वीर नरसिंह ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला जीव कृष्ण देव राय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले वीर नरसिंह को देख लेते हैं, जो वीर नरसिंह के इस तरह राजगद्दी पर अधिकार करने का विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय बलापर की संज्ञा दी गई है। अब चलिए, जो कृष्ण देव राय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार आता है यहाँ से, जो कृष्ण देव राय है 1509 से 1529 ईस्वी में, तो ध्यान से समझिएगा, जो वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात, किसके मृत्यु के पश्चात, वीर नरसिंह के मृत्यु के पश्चात कृष्ण देवराज सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी कि सिंहासन पर बैठा। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक है, यानी कि इस साम्राज्य में, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य, उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देवराय था। एग्जाम में पूछा गया है व्यापम का, ठीक है, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कि साम्राज्य, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन है, तो कृष्ण देव राय है। और यहाँ पर आप बात कीजिएगा, बाबा ने इसे अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा गया है। किसने, बाबर ने, ठीक है, किसने कहा है, बाबर ने, याद रखिएगा, किसने कहा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा में, ठीक है, तुजू के बाबरी वो नहीं है, है ना, अपनी आत्मकथा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा गया। जबकि अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ में क्या क्या है पता है आपको, अमुक्त माद्य कहा गया है। और अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अनेक मंदिरों, मंडप, तालाब आदि का निर्माण कराया, साथ ही अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर, ये आपका नागलापुर नामक नगर की स्थापना की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट, स्टार लगा दो इसको, डोमिगो पायस और कुराई बारबोस नामक पुर्तगाली यात्री इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, जो डोमिगो पायस है, जो नामक किसके शासनकाल में भारत आया था, अब भी मैं आपको बताया हूँ, कृष्ण देव राय, ठीक है। चलिए ये भी छोड़ दीजिएगा, ये एग्जाम में नहीं आता, सदाशिव वाला एग्जाम में आता है। जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं टॉपिक को बता रहा हूँ, जो सदाशिव है 1542 से 1570 ईस्वी तक, इन्हीं के शासनकाल में वास्तविक शक्ति अरविडु वंश यानी कि मंत्री राम राय के हाथों में थी। किसके राम है,
और ये देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में आया था, पीएससी के एग्ज़ाम में हाल ही में हुआ था, उसी में, इसी के शासनकाल में तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जो तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था 23 जनवरी 1565 में। कई बच्चे यहाँ पर गलत करके आए हैं, ये आपको 25 जनवरी दे दिया था, जबकि ये आपका होगा 23 जनवरी। ठीक है, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 23 जनवरी 1565 में। हाँ बिल्कुल सही है। और इसी युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवल ने अपनी पुस्तक में विजय ए फॉरगेट एम्पायर में किया था। अब अर्विडू वंश के बारे में देखेंगे, ये आपके एग्जाम में आता है। अर्विडू वंश, तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वेनगोड्डा पेड़ुगोड्डा को विजयनगर के स्थान पर राजधानी बनाया और 1570 ईस्वी में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। एग्जाम में पूछता है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आप फटाक से कमेंट करके बताइएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तुलु वंश का जो अंतिम शासक है सदाशिव है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आप बताएंगे सदाशिव। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर जो श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था, श्रीरंग विजयनगर का अंतिम शासक कौन था, श्रीरंग, याद रखिएगा। और इसी के साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। ये आपका विजयनगर साम्राज्य का हम देख चुके हैं संगम वंश के बारे में, जो संगम वंश की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, आज का जो क्लासेस था ये आपका होगा संगम वंश के बारे में आपको बताया था, हरिहर बुक्का या विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक, कहीं जाइएगा मत। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं एडियो हॉस्टल वार्डन और एसआई भर्ती, ठीक है, अगर आप एडियो हॉस्टल वार्डन एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। टाइम की बात करें तो टाइम आपको मैं बिल्कुल बता दिया था, टाइम आपका 8:30 से 9:30, ठीक है, 9:30 तक बिल्कुल क्लासेस रहती है, बने रहिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अभी समझाया हूँ और यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न किस ईस्वी में हुई है, तो आपको मैं बार बार बताया हूँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न किस ईस्वी में हुई है, फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें, 1211, 1336, 1492 या 1501, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस ईस्वी में हुई है, कौन से सन में हुई है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फटाफट। मैं पोलिंग कोड के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बिल्कुल फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुआ है, कमेंट करना स्टार्ट करें। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट है आपका, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको बिल्कुल मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ाई करना है अच्छे से कीजिएगा, सिलेक्शन लेना है अच्छे से करें। ठीक है, हाँ कमेंट करना स्टार्ट करें, राजीव, गोपाल, मीना, बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको 50% आंसर बता देता हूँ, 50% आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी गलत है, आप बी सी होगा, तुक्का ना लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल 50 क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ, 50% आंसर बता दिया हूँ मैं, आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, देरी ना करें ना, आगे भी और क्वेश्चन देखना है। तो पोलिंग बूथ के हिसाब से जितने लोगों का आंसर आया है, बी का 70%, सी का 40%, यानी कि चलिए हम बी पे ऑप्शन जाते हैं, आंसर बी होगा 1336, बिल्कुल सही है।
चलिए अब इसका आंसर बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की है। अभी आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हूँ, आंसर फटाक से आना चाहिए ना। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आप सभी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने किया है, देखिए यहाँ पर अलग अलग तुक्का ना लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, वरना आपको मैं हाँ डेली क्लास कराया जा रहा है नितेश, डेली क्लास आज से स्टार्ट हुआ है, पार्ट वन वीडियो है, ठीक है, पहला क्लासेस है आज का जो आपका महा एपिसोड है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर बुक्का किसने किया था, फटाफट कमेंट करें, मैं पोलिंग बूथ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, हरिहर, हरिहर नहीं रे भैया, हरिहर नहीं है। चलिए देखते हैं पोलिंग बूथ के हिसाब से 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए 45 लोगों का आया है और आंसर बी 46 लोगों का और ऑप्शन सी इसका देखिए बहुत जा रहा है, इसका मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, 135 लोगों के आसपास आया है आंसर सी। तो चलिए बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का दो भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया है, इसका आप बताइएगा, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ कमेंट करके बताइएगा, विजय की गाथा, विजय का शहर, विजय का शंखनाद या विजय की श्रृंखला। अरे बेवकूफ, श्रृंखला कहाँ से आएगा, ऐसा कमेंट फटाक से कमेंट करता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है आपका आंसर बी, विजय का शहर। इसका आप आंसर बताइएगा, विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का के बीच क्या संबंध था। विजयनगर संघ के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं, आप सभी को मालूम है, ये कौन है अभी मैं आपको बताया हूँ, और इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी आपको मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कौन है, पिता बेटा है या गुरु शिष्य है, मित्र है या भाई है। बिल्कुल आंसर ए आ रहा है, आना स्टार्ट हो चुका है, मैं समय सेकंड नहीं दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट करें, ठीक है, जितने भी एक बार जुड़ चुके हैं फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आया है, 235 लोगों का आंसर ए आया है भाई, और बिल्कुल सही है। विजयनगर की राजधानी का नाम निम्न से क्या है, चित्रा, वृंदा, मेहुका या हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बिल्कुल सही है, आंसर डी होगा, हम्पी। इसका बताइएगा, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य किस वंश की स्थापना की है, हरिवंश, रामावंश, संगम वंश या माया वंश। हरिहर एवं बुक्का नामक संगम वंश, बिल्कुल सही आंसर है, जितने भी ने आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करें, बिल्कुल अगर आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रैक्टिस सेट होगा। विजयनगर साम्राज्य भारत किस भाग में स्थित है, जल्दी से कमेंट करें।
जितने भी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करना स्टार्ट करें। गधे के तौर पर ना बैठे ना, अगर गधे के तौर पर बैठे रहोगे ऐसे खाली, इसलिए आप लोग कमेंट करें, आंसर तो डालें कम से कम, क्या आएगा ए बी सी या डी। खाली बैठने से अच्छा है कमेंट करें और आंसर आपका गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको याद रहेगा। जितने लोगों ने आंसर आपका दिया है डी, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत। इसका बताइएगा क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी। बिल्कुल आंसर सही आया है तेलुगु, फटाक से ऐसी कमेंट आना चाहिए ना भाई। हरिहर एवं बुक्का निम्न किस काकती शासक के सामंत थे। ए पी सी या डी। कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, 90 लोगों का आंसर सी आया है, बिल्कुल सही है रुद्र प्रताप। क्या आएगा, विजयनगर प्रशासन किया था। तुलुब या अरविडू, उपरोक्त क्या आएगा। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या आएगा, संगम वंश का प्रथम शासक निम्न में से कौन था। तो संगम वंश का प्रथम शासक था आपका ए आंसर हरिहर। कौन था, हरिहर। अगर बुक्का दिया रहता तो आप दोनों लगाते, बुक्का दिया रहता तो आप दोनों लगाते, ठीक है। क्या आएगा, हरिहर बुक्का दोनों भाई हैं जो संगम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 1336 में। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, अभी मैं आपको बताया हूँ। संगम वंश का अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, मल्लिकार्जुन कैसा होगा बेवकूफ। कंप्लीट वीडियो देख लिया कर तब कमेंट किया कर, वरना आपको डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा। कौन है रे यहाँ पर जो समय समय पर बार बार समय पूछ रहा है आपको, जब मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ 8:30 से लेकर 9:30 बार बार कमेंट करते हो बेवकूफों की तरह। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, हरिहर द्वितीय कैसे होगा, वो तो संगम वंश का जो क्या देवराय प्रथम कैसे होगा, विरूपाक्ष द्वितीय है। चलिए इसका क्या आएगा, विजयनगर की मुद्रा का नाम निम्न से क्या था, रुदन पेगोड़ा हूण या सोंगा। विजयनगर की मुद्रा का नाम बताइए कमेंट करके, ए बी सी या डी, फटाफट कमेंट करें, बेवकूफियों की तरह ना बैठा करो। आंसर किसी को मालूम नहीं है, जितने लोगों को मालूम है फटाफट कमेंट करें, और नहीं भी मालूम है आप कमेंट करें ताकि आपको याद रहेगा। विजयनगर की मुद्रा का निम्न क्या है, क्या है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, पेंगोड़ा, पेंगोड़ा। क्या आएगा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अब भी मैं आपको पढ़ाया हूं, चलिए मैं 50% आंसर बता दे रहा हूं। बुक्का प्रथम गलत, मल्लिकार्जुन गलत। एक मिनट, यहां पर कोई उपाधि बोला गया है तो 50% आंसर बता देता हूं, ये दोनों गलत है, देवराय होगा नहीं। जब वेद मार्ग प्रतिष्ठापित किया था कि अब क्या आएगा, ए या डी, आंसर फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। चलिए आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संगम वंश के सभी शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। और आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट में वीडियो में कमेंट करेगा, हॉस्टल वार्डन, एडीओ या फिर एसआई भर्ती, आप तीनों में से किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप तीनों एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर।